सेकेंड आएगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब क्या होगा कि आपका एक चीज़ और ऐड हो जाएगी इसमें, एफ, यानी कि एक्स के साथ एफ भी आएगा। एफ इज़ फ्रिक्वेंसी, कि हम कह रहे हैं मान लो ये वेजेस हैं तो हम फ्रिक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, इसका मतलब होता है फ्रिक्वेंसी का मतलब कि कितनी बार एक आइटम एक टर्म रिपीट हुई है। कि मान लो आपकी क्लास में अगर 21 एज है और वो 5 बच्चों की एज है, तो मैं बोलूँगी 21 हो गया आपका एक्स और 5 हो गया आपकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रेपिटेशन, कि कितनी बार रिपीट हो रही है एक वैल्यू, तो फ्रिक्वेंसी। डिस्क्रीट में हम एफ भी आएगा आपका। तो इसमें अब दो मेथड फिर से आएंगे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब ये याद रखना, जब भी डिस्क्रीट सीरीज की बात होगी तो एन का मतलब यहाँ पर क्या है, समेशन एफ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स नहीं है, एन का मतलब है समेशन एफ। समेशन एफ मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उनका सम, कि मान लो ये वाली जो टर्म है फ्रीक्वेंसी, इसका सम इज योर एन, ठीक है। अब क्योंकि मान लो अब मैंने बोला कि 5 बच्चों की अगर आपकी एज रिपीट हो रही है तो एन तो वही रहेगा ना, कि एफ तो वही है ना, कि बच्चे तो 5 हैं, जो तो नहीं है कि हम एक ही की एज लेकर चलेंगे। तो यही कह रहे हैं एन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, समेशन एफ। ओके, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, और हम इसको लिख सकते हैं समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई ई एफ, समेशन एफ, ठीक है। अब बस अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ तक आपको पता है कि एक्स निकाला हुआ है, एफ दिया हुआ है, आपको दो चीज़ें दी हुई होंगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एफ को इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, इस कॉलम से आपका आ गया एफ इंटू एक्स, ठीक है। अब फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स, तो किसका सम करना है आपको, एफ एक्स इस वाले कॉलम का सम करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ मतलब आपको इसका सम चाहिए, तो आपको दो चीज़ का सम चाहिए, एक तो इसका और एक इसका, इन इसको डिवाइड कर दो 19 से तो आपका आ गया 29.47, दिस इज़ योर मीन वेज। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रहा है कि जब भी आपका पेपर में कोई क्वेश्चन आता है मीन या उसका, जिस वे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मान लो इन्होंने बोला हुआ है कि कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग और वेज बोला हुआ है, एक्स क्या है आपका, वेज है, तो लास्ट में आप एक स्टेटमेंट यानी कि एक डेफिनेशन की फॉर्म में आप एंड करेंगे क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट में आंसर देंगे। जैसे इन्होंने दिया है कि डायरेक्ट यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, आप लिखेंगे एक लाइन में कि डज द मीन वेज इज ₹29.47, ठीक है। मतलब आप इस चीज़ को थोड़ा सा, मतलब जो आपका आंसर आया उसको आप एक स्टेटमेंट फॉर्म में डिफाइन करके लिखेंगे कि जो आपका आंसर आया वो एक्चुअल में क्या है। ओके, सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड। अब आएगा आपको उसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में सेम वही प्रोसीजर चलेगा, बस नई क्या चीज़ ऐड होगी, ए तो अथाई, बस जो आपका पिछले में जो हमने डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज की थी उसमें हमने किया था समेशन डी, अब यहाँ हो जाएगा समेशन एफ डी, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, एन का मतलब यहाँ क्या है, समेशन एफ। तो इसका मतलब इसका क्या लिख सकते हैं, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ, राइट। अब मान लो ये आपको फिर से एक्स गिवन है, एफ गिवन है, आपने क्या करा है, यहाँ से सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, ए चूज़ करना है, ए आपने इसमें से ए चूज़ करा आपने, हमने कोई भी टर्म एक्स में, और हमेशा याद रखना ए हमेशा चूज़ करते हैं एक्स में से। आंटी ग्लास पानी देना। तो हम कह रहे हैं आपको क्या चूज़ करना है, यहाँ से ए चूज़ करना है फ्रॉम एक्स, कभी भी एफ से चूज़ नहीं करते एक्स ए को, आपको किस में से चूज़ करना है, एक्स में से। तो आपने ये चूज़ करा ए, अब इसमें हमने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, डी निकालेंगे, डी मतलब एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस 30 आपने निकाला, ये सारा ये आपका डी आ गया। अब एक नहीं, यहाँ तक आपका पहले इंडिविजुअल सीरीज में आपका क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो जाता था, बट नेक्स्ट इस वाले में क्या नया आएगा डिस्क्रीट सीरीज में, आप इस डी को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, इससे मतलब इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी निकालेंगे। अब आपके फॉर्मूले में जाइए, ए था चाहिए था आपके पास, ए आ गया 30, समेशन एफ डी चाहिए था, समेशन एफ डी क्या है आपका, ये आया -10। इसका सम बहुत ध्यान से करना है, माइनस वाले टर्म्स को पहले ऐड कर लेना, प्लस वाले टर्म्स को ऐड कर लेना। तो माइनस वाले टर्म्स जैसे मान लो यहाँ पे -30 है, ये कितना हो गया -130, और ये हो गया +120, तो -130 +120 इज -10, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन ध्यान से करना, इस फॉर्मूले में पुट किया आपने, और एन का मतलब यहाँ क्या है, समेशन एफ, तो यहाँ पे 19 लिखा, ये आपका आ गया 29.47, तो मीन वेज इज 29.47, दिस इज योर डिस्क्रीट सीरीज़।